रविन्द्रनाथ भवन बना हुआ है यहाँ पे पीछे। तो भैया गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, और दिन तीसरे दिन की शुरुआत आज हो चुकी है बनारस में। तो आज हमारा तीसरा दिन है बनारस के अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने। तो सोच रहे हैं कि वोट से जाएं, यहाँ से वोट मिल गई तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वोट नहीं मिली तो ई रिक्शा से जाएंगे। और ई रिक्शा यहाँ से 10 रुपये लेता है अगर आप शेयरिंग ई रिक्शे में जा रहे हो तो, नहीं तो अगर आप अपना बुक करके जाओगे तो मिनिमम 50 या 100 रुपये ले लेंगे आपसे वहाँ तक के पहुँच के। सुबह सुबह जब थोड़ा लेट हो गया उठने में, आज फिर कल बहुत थक गए थे यार, उतनी भीड़ थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और कल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ठीक ठाक रहा लोगों बस। हाँ, ये सजावट यहाँ की बहुत अच्छी है और यहाँ पे लोग सही बहुत बढ़िया हैं, लेकिन देव दीपावली हो गया मेरा वही भीड़ बहुत ज़्यादा है। और कल यहाँ पे पैर रखने की जगह ही नहीं थी, बहुत ही पब्लिक थी कल। यहाँ जो सनराइज है बहुत अच्छा लग रहा है, क्या एकदम तो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना जो गंगा जी के अंदर, ओह बहुत ही गजब लग रहा है। सनराइज देखिए यार, ओह गजब। तो ये हमारे दोस्त हैं। जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और बहुत भीड़ होने वाली है वहाँ पे। मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट के बगल में ही काशी विश्वनाथ टेम्पल है, तो वहाँ पे हम दर्शन करेंगे थोड़ी बहुत। काशी विश्वनाथ टेम्पल आप बाय रोड भी आ सकते हैं, जिसके 10-10 रुपये लगते हैं। 80 घाट, अगर आप 80 घाट पर रुके हो तो 80 घाट से काशी विश्वनाथ के 10 रुपये लेते हैं ई रिक्शे वाले। अगर आपको वोट से आना है तो आज वोट का थोड़ा रेट ज़्यादा है, 50 रुपये मिनिमम लगते हैं वोट से और काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाने के। अब यहाँ बाय बोट आ सकते हैं, बोट से थोड़ा सा पास पड़ता है और बाय रोड थोड़ा सा दूर पड़ेगा क्योंकि भीड़ भाड़ मिलेगी सुबह सुबह यहाँ पे। भीड़ 4 बजे मंदिर खुल जाता है, 4 से लेके 11 बजे तक, लेकिन आज चंद्र ग्रहण है तो इसकी वजह से शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा टेम्पल, उसके बाद पूरी रात बंद रहेगा। फ़ोन को लॉकर के अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो अभी हम फ़ोन लॉकर में रखने जा रहे हैं। तो अभी हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हैं, लेकिन मैं दर्शन करने नहीं गया, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, इसलिए मैं अभी दर्शन करने नहीं गया। सोचा है कि कल मॉर्निंग में यहाँ पे आके दर्शन करूँगा। हर जगह ना आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, पीछे कॉरिडोर बहुत अच्छा बना रखा है वैसे यहाँ पे लोगों ने, देखने के लिए घूमने के लिए बहुत अच्छा है। आप यहाँ घूम सकते हो। उसकी टाइमिंग तो वही है, सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक, तो आज ग्रहण है इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ कि आपको पैर रखने की जगह नहीं है। अभी तो मैंने वहाँ देखा कि भगदड़ हो जाती, बच्चे क्या था, बहुत ऐसे लोग टूट रहे थे एक दूसरे पे के दर्शन करने के लिए, कुछ कहने नहीं। इसलिए मैं बाहर आ गया, मैं कल आऊँगा मॉर्निंग में दर्शन करने दोबारा, आज तो नहीं हो पाएंगे भाई इतनी भीड़ में। भीड़ फूबिया हो गया मेरे को अभी ये देख देख के। तो जो अंदर देख रहे हैं अब काशी विश्वनाथ मंदिर है अंदर, है कबीर सा धन हितकारी
कहें कबीर सा धन हितकारी हम साधन के दासा ओ साधो भाई जीवित ही। पूरा कॉरिडोर तो बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत सही है, देखने लायक है। आप आ सकते हो यहाँ पे, दर्शन कर सकते हो, साथ में कॉरिडोर घूम सकते हो पूरा का पूरा। सोमनाथ भवन, ये सोमनाथ भवन बना हुआ है यहाँ पे, पीछे मेरे पीछे सोमनाथ भवन है। लाहौल टी के गेट नंबर 1 है ये, तो आप अंदर से अंदर एंट्री कर सकते हो और यहाँ से आप एक गलियाँ हैं यहाँ से निकल सकते हो। तो ये भाई आए हैं बहुत दूर से, कहाँ से आओ भाई? ये गोरखपुर से आए हैं दर्शन करने के लिए। आज पहले दिन आप अच्छा, कल भी जाओगे? कल भी। अच्छा, कल ये कल और आ जाए यहाँ पे दर्शन करने आए हो कि भैया महादेव मिलते हैं, हर महादेव। तो ये दर्शन करने आए हुए सारे लोग, यहाँ भी आप बैग वगैरह रख सकते हो अपने। एक पान की शॉप है, पान भी खा सकते हो, पान की शॉप भी है यहाँ से। भैया बैठे हुए हैं, तो मैं गली ना भूल जाऊँ इसलिए हर बार देखकर बने हुए हैं यहाँ पे। कुछ सामान वगैरह रखना हो आपको तो आप इन लॉकरों का यूज़ कर सकते हैं। वैसे अंदर भी बना हुआ है लॉकर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे पैसे लेंगे आपसे लॉकर पे पैसा सामान वामान रखने के, या प्रसाद लीजिए या फिर आप पैसे दीजिए। तो ये हर जगह है, यहाँ भी है, तो ये व्यवस्था सही है। चलो नहीं हो पाता तो आप यहाँ रख सकते हो, आप और अंदर फुल हो गया तो रखोगेगा। यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है, नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे अभी यह फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो आज गुरु पूर्णिमा है, कल आपकी देव दीपावली थी और आज ग्रहण भी है, तो इस चक्कर में यहाँ भीड़ बहुत हो गई है भाई साहब। ये तो वृंदावन की गलियाँ बन गई है सेम टू सेम, मथुरा वृंदावन की गलियाँ में भी ऐसी भीड़ रहती है और यहाँ भी फुल टू फुल भीड़ चल रही है दबा के। हम आए बनारस, ये 12 ही जलपान है, यहाँ पे कचौड़ी खाई अभी हमने भाई साहब, कचौड़ी लाजवाब एकदम मस्त, पहला गस्सा जाते ही ना गले में। मैंने दिखाया नहीं इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत जोर की भूख लगी थी, मैंने सबसे पहले कचौड़ी खाई है अभी। तो भैया मैं जलेबी लेके आ चुका हूँ, जलेबी देखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है, खा के देखते हैं। ये देखिए जलेबी हमारी, 3 अपने लिए लाया हूँ, जोक सपाट मेरी नहीं है, और भी बंदे हैं उनकी है, तो अभी हम खा के देखते हैं। वाह स्वाद है, बनारस की जलेबी में स्वाद है भाई। वैसे थोड़ी मोटी बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन स्वाद है। ओहो भाई भूखा है, गिर गई मेरी जलेबी। भैया अभी हम आ गए कटोरिया एरिया में और यहाँ इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि भैया पैर रखने की जगह नहीं है, वो फुल पब्लिक है दबा के, हर जगह भीड़ी भीड़ भीड़ी भीड़ नजर आ रही है। ये देखिए भीड़, ये है पूरा गधौलिया एरिया और ये गधौलिया एरिया में इतनी भीड़ है, चलने के लिए जगह नहीं है भाई। और लोग जितने यहाँ इस रोड पे हैं उतने ही अंदर है, इतनी भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़। तो भाई दिल्ली के लोग मिले हैं यहाँ पे, कुछ भैया लोग भैया वहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए, अरे महादेव। ज़्यादा नॉर्मल वाली नहीं, ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन बनाना था तो भांग वाली पीनी चाहिए, वो पी रहा हूँ, देखते हैं कैसे नशे होंगे, हल्का हल्का हो तो बढ़िया लगे, मेरे को ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा, थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो ये बादल ठंडई, बादल ठंडई के नाम से है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं पीने के लिए, तो मैं पी के आपको बताता हूँ।
कर लिया, हमने पी लिया भाई साहब। अभी असर नहीं करेगी, एक घंटे बाद असर करेगी, देखते हैं कैसा असर करेगी। डर तो लग रहा है, मुझे तो मना कर रहा है मत पियो, लेकिन पी लिया हमने कैसे भी करके। थोड़ा घबराहट हो रही है मेरे को, लेकिन कोई देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, जब भी मैं बोलता हूँ कि देखा जाएगा तभी मेरे साथ बहुत बुरा होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा दूर ही रहना इस चीज़ से, तो दूर रहना बढ़िया बनता है। लेकिन पीली है तो झेलना भी हमें पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक ब्रो। तो ये है पूरा गदौलिया चौक और यहाँ भीड़ दबा के है। यहाँ पे खाने पीने का जुगाड़ बहुत सही है, और पीने का तो देख ही लिया आपने अभी, मेरा पीने का भी तो होगा नहीं कुछ असर, एक घंटे बाद होगा। तो आप कभी भी आए पीने के लिए तो यहाँ पे आ जाए, बादल ठंडई बहुत सही जगह, अच्छी बनाते हैं अंकल और बढ़िया तरीके से, तो आप यहाँ के पी सकते हैं। उसी के बगल में SBI ATM है, ATM के बगल में दुकान है वाली। तो अभी पिए, अभी दो मेरे दोस्त हैं वो नींबू पानी पी रहे हैं, उन्होंने मैंने बोला कि पी लो, बोले नहीं मैं नहीं पीऊँगी भैया, हमने नहीं पीनी, बनवा किसी और के लिए थे लेकिन पी मैंने ली है। अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा, मैं आ गया गुरुद्वारे में। तो अभी हम भी अंदर जाएंगे, थोड़ा दर्शन वर्शन करेंगे, इसको भी तो इसको पहली बार गुरुद्वारा आया, तो इसको गुरुद्वारे को मान लाएंगे, गुरुद्वारा होता कैसा है, ठीक है, ये जानता नहीं बेचारा, छोटा बच्चा है, बहुत छोटा ही है। बस ये पता है अभी 20 साल की उम्र में भाई घूमने निकला है, सब जगह घूमता है, हर जगह अपने आप अकेले के सोलो ट्रैवलिंग, मैं इससे बहुत कुछ सीख रहा हूँ अभी। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, रूबाणी हो रही है, तो अंदर अभी जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि कैसा होता है गुरुद्वारा, कैसे होते हैं यहाँ पे, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, जैसे अभी इस लड़के को बच्चे को पता ही नहीं है। तो गुरुद्वारे से तो हम आ गए हैं, तो यहाँ पे कितना कुछ है नहीं, खाने पीने खा सकते हैं, तो खाना पीना खाने के लिए हम शाम को आएंगे, मैं और ये थोड़ा यहाँ से कुछ खा पी के जाएंगे, क्योंकि यहाँ की चीज़ें बड़ी मशहूर है ना खाने पीने की, कल आज खाने का दिखाता है। गुरुद्वारा मिलते हैं शाम के टाइम, बाय। तो जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, हम जा रहे हैं गदौलिया चौक कुछ खाने पीने, थक गए, एग्जॉस्ट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे यार, क्योंकि सुबह निकले थे हम 5 बजे अपने हॉस्टल से, और नहा धोने के काशी विश्वनाथ दर्शन करने, भाई के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए बोल रहे थे। मेरा सुबह का प्लान है, तो सुबह मैं उठूँगा 3 बजे करीब, और 4 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, 4 बजे से पहले ही निकलने की कोशिश करूँगा, जिससे कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ टाइम पे। गदौलिया मार्केट घूम रहे हैं हम अभी, तो भैया रात को दिखता है गदौलिया चौक कुछ ऐसा, जैसे कि आप अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वही शॉप है जहाँ मैंने भांग पी थी, थोड़ा बहुत भांग का असर हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन नाइट में भी बहुत अच्छी लगती है यार गदौलिया चौक, बहुत अच्छा लगता है। तो भैया हम आ गए हैं काशी चाट भंडार, बहुत दबा के भीड़ है यहाँ पे, बहुत फुल टू फुल भरा पड़ा है यहाँ पे, ये है काशी चाट भंडार, ये है पूरा भीड़, यहाँ पे दबा के भीड़ है।
काशी चाट भंडार, और यहाँ पे लिया हमने ये टमाटर चाट। लग रहे हैं देखने में तो बड़ी प्यारी लग रही है, आपके देखने कैसी लग रही है ये वाली? हाँ बनारस आए और चाट नहीं खाई काशी भंडार की, साथ में अभी हमने एक और ऑर्डर किया पालक चाट, टमाटर चाट खा रहे हैं। हमने मंगाई है पालक चाट, अभी पालक चाट टेस्ट करेंगे। पालक चाट ये भी बहुत मशहूर है यहाँ की पालक चाट, अभी चलते हैं कैसी लगती है ये वाली भी, पहली बार खा रहे हैं ये वाली चाट, तो देखते बताते हैं वो कैसी लगती है। तो भैया यहाँ की हमने पालक चाट खा ली है, स्वाद है लेकिन भैया बता रहे थे कि पहला वाला स्वाद नहीं है क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है, ठीक ठाक थी, नॉर्मल है, लोगों ने जो आई बना रखी है लेकिन अच्छी है, आप बाकी खा सकते हो। मलाई हमको नहीं मिली, हम जा रहे हैं गजौलिया चौकी साइड, और तीसरे दिन का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, चौथे दिन का ब्लॉग सुबह सुबह चालू होगा, जो आपके लिए हम जाएंगे, तो तब तक के लिए हर हर महादेव। तो वही है, हम कर्म कर रहे हैं और फल की चिंता तो नहीं है, अभी कभी कभी हो जाती है। तो अपना आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, हर शंभू, हर भोले, हर महादेव।